दोस्तों मुझे पता है आप में से कई सारे भाई लोग ने स्पाइडरमैन नो वे होम को तो देख ही लिया होगा, लेकिन दोस्तों कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और दोस्तों उन्हें अब तक स्पाइडरमैन नो वे होम देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों कमेंट कर करके पूछते रहते हैं कि भाई नेटफ्लिक्स पर हमें कब आएंगे जो कि फ्री में देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों कई सारी मल्टीपल वेबसाइट्स या फिर अमेजन प्राइम पर हमें आपको रेंट पर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं स्पेशली दोस्तों नेटफ्लिक्स की रिलीज डेट के लिए बताऊंगा कि आपको ये कब तक देखने को मिलेंगी और क्या कुछ। दोस्तों फिल्म तो वैसे सबने देख ली है, लेकिन दोस्तों क्या बोलो उसके बारे में। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर दोस्तों आप नेटफ्लिक्स के लिए वेट कर रहे हैं। दोस्तों नेटफ्लिक्स ने काफ़ी ज़्यादा बुरा काम किया है कि इतने ज़्यादा जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ये देखने को मिल गई है रेंट पर, लेकिन दोस्तों नेटफ्लिक्स ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है कि स्पाइडरमैन नो वे होम कब फ्री में अवेलेबल होंगी। लेकिन दोस्तों कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के जो निकल कर आई है उस हिसाब से मैं आपको इसकी रिलीज डेट बताता हूँ। दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम जो है वो दिसंबर में रिलीज़ हुई थी और उसके बाद से इस फिल्म की हाइप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि कई सारे भाई लोग ने जुगाड़ कर करके इस फिल्म को देख ही डाला। मतलब दोस्तों 100% में से 70% लोग ने इंडिया में इस फिल्म को तो देख ही लिया होगा, लेकिन दोस्तों कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो कि नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन लेकर बैठे हुए हैं स्पाइडरमैन नो वे होम को देखने के लिए। दोस्तों इस फिल्म के जो ऑफिशियल राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों के पास में है, ना कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों के पास में, क्योंकि दोस्तों सोनी की जो डील हुई थी वो नेटफ्लिक्स के साथ में हुई थी। तो ऐसे में स्पाइडरमैन नो वे होम की जितनी भी फिल्म जो रिलीज होंगी स्पाइडरमैन की वो हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें कब रिलीज होंगी, मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था, लेकिन दोस्तों अब जो अपडेट है वो चेंज हो चुकी है क्योंकि नए कुछ अपडेट्स निकल कर आ चुकी है। और उस हिसाब से जो रिलीज डेट निकल कर आई है वो है दोस्तों 20 जुलाई। हाँ दोस्तों 20 जुलाई को हमें जो नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल सकते हैं ऐसी जो सोर्सेज का कहना है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं। लेकिन दोस्तों नेटफ्लिक्स ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। इनके सब्सक्राइबर गिरते जा रहे हैं फिर भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फैंस को क्या चाहिए। और दोस्तों मुझे लगता है कि उन्हें स्पाइडरमैन नो वे होम को जल्दी रिलीज कर देना चाहिए, और दोस्तों इतना ज़्यादा वेट कराना ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि दोस्तों फिल्म को रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और बहुत लोगों ने देख भी लिया, इसी दोस्तों शायद इसी वजह से सब्सक्राइबर जो इनके लॉस होते जा रहे हैं। वैसे दोस्तों इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपका कहना है स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर नेटफ्लिक्स को लेकर कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।